नमस्कार, आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। मैं हूं आपके साथ रघुनाथ प्रसाद शास्त्री। नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। नगर के नाना मऊ रोड स्थित श्री कृष्ण लीला स्थल पर आयोजित 9 दिवसीय श्री कृष्ण लीला महोत्सव अंतर्गत वृंदावन धाम के पंडित हीरालाल शर्मा रामलीला मंडल द्वारा कंस वध लीला का संजीव मंचन किया गया। लीला मंचन के पूर्व दोपहर बाद श्री कृष्ण व बलराम और भगवान शंकर की झांकी के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। वहीं श्री कृष्ण लीला में बाल कलाकारों ने मयूर नृत्य प्रस्तुत कर श्रद्धालु दर्शकों का मन मोह लिया। नगर के नाना मऊ मार्ग स्थित कृष्ण लीला मैदान पर दुर्गेश्वर कृष्ण लीला समिति द्वारा आयोजित रामलीला अंतर्गत महिला मंडल द्वारा मथुरा नरेश महाराजा कंस वध लीला का मंचन किया गया। मंचित किया गया कि मथुरा के राजा कंस के अत्याचारों से धरती व्याकुल होती और संत जनों ने हरि में से धर्म की रक्षा करने की गुहार लगाई। वहीं राजा कंस ने पूर्व की भविष्यवाणी के चलते श्री कृष्ण मारने के लिए अंकुर को गोकुल भेजकर श्री कृष्ण को मेला देखने के बहाने मथुरा बुलाया। अंकुर श्री कृष्ण को जब लेने गोकुल पहुंचते हैं तो गोकुलवासी उन्हें मथुरा जाने से रोकते हैं। भगवान श्री कृष्ण सभी को समझा बुझा कर बलराम के साथ मथुरा निकल पड़ते हैं, जहां राजा कंस उनकी हत्या के लिए कई तरह की योजना पहले ही बना लेता है। लेकिन कृष्ण बलराम गोप ग्वालों सहित मथुरा नगरी पहुंचकर सबसे पहले रजक धोबी को यमलोक पहुंचा देते हैं। उसके बाद कुजा भगवान कृष्ण को चंदन लगाती है। बदले में भगवान उसकी कमर पर पैर मारते हैं और कुजा को वरदान देकर उसे सुंदर रूप प्रदान कर देते हैं। राजा कंस के किले के मुख्य फाटक पर कुवड़िया पीर हाथी मिलता है। वह भी भगवान श्री कृष्ण को मारने का प्रयास करता है, लेकिन कृष्ण उसकी सूंड को पकड़कर पटक देते हैं। लीला के अंत में भगवान श्री कृष्ण भगवान शंकर के धनुष को तोड़ देते और तब कंस से युद्ध होता और भगवान श्री कृष्ण व बलराम के हाथों कंस मारा जाता है। अत्याचारी मामा कंस का वध करने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने महाराजा उग्रसेन को बंदी गृह से मुक्त करा दिया।